मीडिया बंद हो, जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि आज मेरा जन्मदिन है और मेरे जन्मदिन को पूरे देश भर में बहुजन समाज पार्टी के लोग व उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार के रहते हुए सरकार द्वारा भी सपा व इनके सरकार की तरह शाही अंदाज में नहीं मनाते हैं और ना ही इनकी तरह प्रदेश की गरीब जनता का सरकारी धन पानी की तरह बहाते हैं। बल्कि पूरे देश भर में हमारी पार्टी के लोग पार्टी स्तर पर और यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार के रहते हुए भी मेरा जन्मदिन हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि की सोच व मूवमेंट को ध्यान में रखकर ही इसे विभिन्न स्तर पर जन कल्याणकारी दिवस के रूप में, पीपल्स वेलफेयर डे के रूप में मनाते हैं, जिनके बताए हुए रास्तों पर चलकर मैंने इनकी सोच व मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पंजाब, इन तीनों राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव घोषित होने की वजह से जहां हमारी पार्टी अकेले ही अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है, तो अब यहाँ चुनाव आचार संहिता का पूरा पालन व सम्मान करते हुए इस बार हमारी पार्टी के लोग लाख चाहते हुए भी यहाँ अपने अपने क्षेत्रों में वर्तमान में नोटबंदी की वजह से और भी ज़्यादा परेशान हालत में चल रहे सर्व समाज में से खासकर गरीब, कमजोर, लाचार, असहाय व बीमार आदि जरूरतमंद लोगों की किसी भी रूप में आर्थिक मदद नहीं कर पा रहे हैं, खास तौर से इन तीनों राज्यों में। अर्थात इन तीनों राज्यों में हमारी पार्टी के लोग बहुत सादगी से ही यहाँ मेरा जन्मदिन मना रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ मैं इन तीनों राज्यों को छोड़कर बाकी पूरे देश में जहाँ हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, तो वहाँ मैं अपनी पार्टी के लोगों से ये भी अपील करती हूँ कि वे मेरा जन्मदिन पूर्व की तरह ही अपने क्षेत्रों में व खासकर इस समय चल रहे नोटबंदी के सीजन में भी अपने सामर्थ्य को देखते हुए विशेषकर गरीब, कमजोर, लाचार, असहाय व बीमार आदि सभी जरूरतमंद लोगों की विभिन्न रूपों में आर्थिक मदद करके इसे जन कल्याणकारी दिवस के रूप में ही मनाएं। जिनके हित व कल्याण के लिए हमारी पार्टी हमेशा ही गंभीर व संघर्षरत भी रहती है, और अब मैं पूरे देश भर में अपनी पार्टी के लोगों का व शुभचिंतकों का भी, जो आज मेरा जन्मदिन जिस भी रूप में व जिस स्तर पर भी मना रहे हैं, तो उनका मैं हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और साथ ही इस मौके पर भी मैं उन्हें नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी देती हूँ। इसके साथ साथ इनको यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हर वर्ष आज के ही दिन मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर
बीएसपी की मूवमेंट को गति देने के खास उद्देश्य से ही मेरे खुद के द्वारा लिखित पुस्तक मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा के हिंदी व अंग्रेजी संस्करण का एक साथ ही विमोचन भी किया जाता है, जो पूर्व की तरह इस बार भी रिलीज की जाएगी जा रही है। इसका विमोचन किया जा रहा है, लेकिन इसके रिलीज करने से पहले मैं मीडिया के माध्यम से खासकर उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान वर्तमान में यहाँ प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पार्टी व जनहित में कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में मैं खासकर कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन सभी विरोधी पार्टियों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि इन्होंने प्रदेश में ये चुनाव घोषित होने से कुछ महीने पहले तक यहाँ किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके प्रदेश की जनता को अपने पक्ष में करने की भी पूरी पूरी कोशिश की है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खराब हालत में वह ऑक्सीजन पर चल रही कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ अपनी रथ यात्रा व खाट सभा आदि का भी खूब अभियान चलाया है, जिसमें प्रदेश की जनता को अनेकों प्रलोभन भरे आश्वासन भी दिए गए हैं। जबकि इस मामले में सच्चाई ये है कि इन्होंने आज़ादी के बाद से लेकर अब तक देश में अपने किसी भी कांग्रेस शासित राज्य में व केंद्र की सत्ता में भी लंबे अरसे तक बने रहते हुए भी उन्हें यहाँ उत्तर प्रदेश में भी पूरा नहीं किया है, जो भी इन्होंने आश्वासन अपने रथ यात्रा के दौरान या फिर खाट सभा के दौरान जो भी इन्होंने आश्वासन उत्तर प्रदेश की जनता को बीच बीच में दिए थे। जबकि कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद शुरू में अकेले ही यहाँ उत्तर प्रदेश में लगातार लगभग 37 वर्षों तक और केंद्र में भी लगभग 54 वर्षों तक राज किया है, जिसके कारण ही अब उत्तर प्रदेश की जनता ने इनके इस अभियान के दौरान इनकी किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लिया है। इसके साथ ही जहां तक बीजेपी का सवाल है, तो इस पार्टी की नीतियों व कार्य प्रणाली के बारे में भी हमारी पार्टी का ये मानना है कि केंद्र में लगभग पिछले 2.5 वर्षों से चल रही बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने लोकसभा चुनावी वायदों का अभी तक लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, जिसमें खासकर देश में गरीबी, महंगाई व बेरोजगारी को खत्म करने एवं बिजली 24 घंटे व सस्ती देने तथा रोजमर्रा की सभी जरूरी वस्तुएं सस्ती करने व मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों, छोटे कारोबारी लोगों की समस्याओं को दूर करने एवं गरीब बेघर लोगों को 2 कमरों के पक्के फ्री मकान बनाकर देने आदि के साथ ही केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर केवल 100 दिनों के अंदर ही विदेशों से सभी काला धन अपने देश में वापस लाकर फिर उसमें से पूरे देश के प्रत्येक गरीब परिवार के हर गरीब सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए देने का भी इनका ये मुख्य चुनावी वायदा था। लेकिन इनके ये सभी लोकसभा चुनावी वायदे अब केंद्र की सरकार के एजेंडे से अधिकांश गायब हो गए, उनका कुछ अता पता नहीं है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के लगभग 22 करोड़ जनता में भी इनके खिलाफ जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है। हालांकि शुरू में इन्होंने अपनी इस कमजोरी पर से उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान बांटने के लिए अपनी पुरानी मित्र पार्टी अर्थात समाजवादी पार्टी के मिलीभगत से कभी यहाँ संस्कृति, यहाँ का जो कल्चर है, कभी यहाँ संस्कृति व कट्टरवादिता के नाम पर, तो कभी देशभक्ति व राष्ट्रवाद के नाम पर, तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक आदि के नाम पर भी
किस्म किस्म की नाटकबाजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, किंतु इन सब में इनको कोई खास सफलता नहीं मिलने की वजह से तब फिर इन्होंने, वे खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तथा इनके केंद्रीय मंत्रियों ने भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव नजदीक आते हुए देखकर फिर अपने ताबड़तोड़ दौरों में या असंख्य घोषणाएं वे शिलान्यास आदि करने की पूरी बाढ़ ही लगा दी थी। ये भी किसी से छिपा नहीं, आप लोगों को भी मालूम है, लेकिन इन पर भी प्रदेश की जनता का भरोसा जमते हुए ना देखकर तब फिर इन्होंने अंत में थक हार कर अपने इन कमियों व विफलताओं पर से प्रदेश की जनता का ध्यान बांटने के लिए एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत ही अपने राजनीतिक स्वार्थ में यह उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव घोषित होने से कुछ समय पहले गत वर्ष दिनांक 8 नवंबर सन 2016 को देश में काला धन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के नाम पर षड्यंत्र के तहत ही अपने राजनीतिक स्वार्थ में यह उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव घोषित होने से कुछ समय पहले गत वर्ष दिनांक 8 नवंबर सन 2016 को देश में काला धन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के नाम पर वे इसे राष्ट्रहित से भी से देश के लगभग 90% गरीब किसान मजदूर व अन्य मेहनत कश एवं मध्यम वर्गीय लोग अभी तक भी उभर नहीं पा रहे हैं, जबकि इनके इस फैसले को लागू हुए अब 50 से भी ज्यादा दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी पूरे देश में हालात यहाँ पहले की तरह सामान्य नहीं हुए हैं और इनके इस नोटबंदी से अब तक देश में लगभग 150 से भी ज्यादा लोग मर चुके हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ पूरे देश भर में एक ये भी आम चर्चा है कि नोटबंदी का ये फैसला लेने से पहले ही 10 महीनों के अंदर अंदर बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी वरिष्ठ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के काले धन को व उनके बड़े नोटों को भी पूरे तौर से ठिकाने लगवा दिया था, और लोगों की इस बात में अब काफी कुछ सच्चाई इसलिए भी हमें नजर आ रही है क्योंकि जब गत वर्ष में हमारी पार्टी व परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा एक रूटीन में नियमों के तहत ही बैंक अकाउंट में जमा किए गए धन को भी बीजेपी व केंद्र की सरकार ने एक सोची राजनीतिक साजिश के तहत इसे जबरदस्ती मीडिया में ऐसे उजागर करवाया जैसे कि हमारा ये धन काले धन से जुड़ा हो। तो तब फिर मैंने दिनांक 27 दिसंबर को मीडिया में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को ये कहा था कि यदि बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी में वास्तव में थोड़ी सी भी ईमानदारी व सच्चाई है और वे पूरे तौर से अपने आप को बेदाग व दूध के धुले हुए समझते हैं, तो फिर इनको अपने इस नोटबंदी का फैसला लागू करने से पहले के पूरे 10 महीनों का और 8 नवंबर के बाद का अब तक का भी अपनी पार्टी का व अपने वरिष्ठ राष्ट्रीय नेताओं का तथा अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के बैंक अकाउंट में कितना धन जमा हुआ है और इस दौरान किन किन कार्यों पर कितना खर्च किया गया है, तो उसका भी पूरा हिसाब किताब मीडिया के जरिए पूरे देशवासियों के सामने जरूर उजागर किया जाना चाहिए। ये बात मैंने 27 दिसंबर को, शायद आप लोगों को मालूम है, आपके माध्यम से मैंने इन लोगों को कही थी। लेकिन अपने आप को हरिचंद व दूध के धुले हुए कहने वाले इस बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने अपने इस तमाम हिसाब किताब को
आज तक भी मीडिया आदि में पूरे देशवासियों के सामने उजागर नहीं किया। इससे इनकी ईमानदारी व बेदाग होने का भी सही पर्दाफाश होता है कि ये लोग कितने ईमानदार हैं, कितने दूध के धुले हुए हैं और कितने बेदाग हैं। ऐसी स्थिति में अब बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को अपने विरोधियों पर व उनके करीबी रिश्ते नातों आदि पर भी, खासकर उनके कारोबार को लेकर कुछ भी आरोप लगाने का व टीका टिप्पणी आदि करने का भी कोई नैतिक अधिकार नहीं रहा है। किंतु फिर भी अब ये लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपनी नैतिकता को भी दरकिनार करते हुए वे अपने सभी मान मर्यादाओं की हदों को भी पार करते हुए यहाँ उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में खासकर बीएसपी की मजबूती को देखकर वे इसे सत्ता में आने से रोकने के लिए तथा इनके कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने के खास मकसद से ही आए दिन यहाँ कभी हमारी पार्टी के ऊपर तो कभी परिवार वालों के कारोबार को लेकर वे इनसे दूसरी पार्टियों की कंपनियों को भी जबरदस्ती जोड़कर उसे फिर एक या दो बिकाओ वे मैनेज किए गए चैनल वे अखबारों आदि में जानबूझकर गलत झूठे तथ्यहीन वे अनाप शनाप खबरें दर्शाते वे प्रदर्शित करवाते रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ मैं विरोधी पार्टियों को ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरे परिवार के लोग जो भी छोटा मोटा कारोबार पिछले काफी वर्षों से कर रहे हैं और यदि वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार को इनके कारोबार में कुछ गड़बड़ी नजर आ रही थी तो फिर ये लोग अपने अब तक के हुए आधे शासन काल में अभी तक क्या कर रहे थे। चुनाव के नजदीक ही इनको मेरे परिवार के कारोबार में गड़बड़ी नजर आई। इनकी सरकार को बने हुए 2.5 साल से ज्यादा हो गया है तो अभी तक ये लोग क्या कर रहे थे। अर्थात अब चुनाव के दौरान इनको हमारी पार्टी व खासकर मेरे परिवार के कारोबारी लोगों में सभी कमियां नजर आने लगी हैं, ये भी सोचने की बात है। जबकि इस मामले में बीजेपी के ये लोग अपनी खुद की पार्टी के वे अन्य दूसरी विरोधी पार्टियों के परिवार वालों के खिलाफ दूर दूर तक भी अभी तक कुछ भी कार्रवाई करते हुए हमें नजर नहीं आ रहे हैं, तो ये सब बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की दलितों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता नहीं है तो ये सब और क्या है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अच्छी बात यह है कि बीजेपी के इस घिनौने हथकंडे से भी हमारी पार्टी को नुकसान नहीं बल्कि जबरदस्त फायदा ही पहुंच रहा है, जिस पर अब आगे कोई भी प्रतिक्रिया वह सफाई आदि देना हमारी पार्टी उचित नहीं समझती है।